ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज पराग्वे के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में आतंकवाद से लड़ने के लिए हमें किसी तरह की कोई मदद नहीं चाहिए, हम पूरी तरह से सक्षम हैं। भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक करके अपनी क्षमताएं दिखा दी हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राहुल भारतीय वायुसेना पर यकीन नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट पर यकीन नहीं करते, कैग पर भी यकीन नहीं करते। क्या वो पाकिस्तान पर यकीन करना चाहते हैं? वो जानबूझकर या अनजाने में राफेल के प्रतिस्पर्धियों के हाथों में खेल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 13 पॉइंट रोस्टर को पलटकर 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। SC ST OBC के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पुराने सिस्टम के हिसाब से आरक्षण को बहाल करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 50 नए केंद्रीय विद्यालय बनाने को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। आपको बता दें, मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल में यह आखिरी कैबिनेट की बैठक है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज राफेल सौदे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि एक नई लाइन निकली है, गायब हो गया। राफेल की फाइलें गायब हो गई, 2 करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हो गया, किसानों को सही दाम गायब हो गया, 15 लाख का वादा गायब हो गया, किसानों के बीमे का पैसा गायब हो गया, नोटबंदी और GST में कारोबार गायब हो गया। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने राम मंदिर मामले पर बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश के सागर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से मक्का और वैटिकन सिटी में मंदिर नहीं बन सकता, ठीक उसी तरह से अयोध्या में राम मंदिर के अलावा कुछ और नहीं बन सकता। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन के विस्तार के लिए सुरक्षा मंजूरी मिल गई है। 6.6 किलोमीटर के नोएडा सिटी सेंटर, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी खंड को अब जल्द ही लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस खंड का शुभारंभ कर सकते हैं। राफेल विमान सौदे पर कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी पार्टियां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने में पीछे नहीं है। BSP अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि राफेल विमान खरीद के कागज रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए, सत्यानाश। मोदी सरकार के द्वारा ये कैसी चौकीदारी है? क्या देश हित और देश की सुरक्षा वाकई सुरक्षित हाथों में है? इस पर विचार करना पड़ेगा। BJP के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। आकाश ने कहा कि पहले हम राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, लेकिन अब वो देशद्रोही की तरह बर्ताव कर रहे हैं, इसलिए अब हम उन्हें गधों का सरताज कहेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की भाजपा शिवसेना सरकार बड़े फैसले ले रही है। महाराष्ट्र सरकार ने एक फैसला लिया है, जिसके तहत 2011 तक सरकारी जमीन पर बना 1500 स्क्वायर फीट का अवैध निर्माण नियमित होगा। इस फैसले से मुंबई की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तोगड़िया ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि BJP सरकार में ना तो किसान सुरक्षित है, ना जवान, और तो और अयोध्या में प्रभु श्री राम के रहने के लिए अपना घर भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह एक बस में ग्रेनेड फेंका गया, जिससे बस के अंदर एक धमाका हुआ है। धमाके की खबर मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। इस बारे में IG M.K. सिन्हा ने बताया, ये एक ग्रेनेड ब्लास्ट था, जिसमें कम से कम 26 लोग घायल हुए हैं और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करण जौहर की मोस्ट अवेटेड फिल्म कलंक का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है। इसमें वरुण धवन के लुक से पर्दा उठाया गया है। करण ने ट्वीट कर वरुण के लुक को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पोस्टर में एक्टर का इंटेंस लुक देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है वरुण इसमें एक्टर जफर के रोल में दिखेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे A1 न्यूज़ TV। नमस्कार।